अमरीकी सदारती इंतबा दोनों उम्मीदवारों में आहरी मुबासा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की एक दूसरे पर इल्जाम की बोछार। अमरीकी सदर कहते हैं जो बाइडन रूस से 3.5 मिलियन डॉलर मिले हिसाब देना पड़ेगा। जो बाइडन के भाई ने इराक से कई मिलियन डॉलर बनाए। जो बाइडन इलेक्शन जीत गए तो स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी। कोरोना मेरी नहीं चीन की वजह से फैला, चीन के लिए परवाजें बंद करने के लिए जो बाइडन ने मुखालफत की। चीन से अगर किसी ने रकम बनाई तो वो सदर ट्रंप है। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का जवाबी वार कहते हैं, मैं कोई गलत काम क्या ना बेटे ने पैसे कमाए। शिमाली कोरिया के ठग को सदर ट्रंप ने दोस्त कहा। ट्रंप के वकील रोडी कुलियानी रूस के प्यादे निकले। ईरान चीन रूस को इलेक्शन में मुदाखलत की कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकल जाएगा, फैसला आज मतवक्का। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास दूसरे दिन भी जारी। जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने फेटव की सिफारिशात की रोशनी में बहुत से इकदाम उठाए। पाकिस्तान का नाम बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के इम्कान मौजूद। नोलेकर मरियम नवाज के कमरे पर दावे की फोटेज सामने आने पर वजीर आजम का इस्तीफे का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं फोटेज इमरान खान की लाकानूनियत और इस सियासी इंतकाम का नाकाबले तदरीद सबूत है। चादर और चार दीवारी की बेहरमती करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं फोटेज में वाजह है, पुलिस ने सफदर को गिरफ्तार किया, झूठा प्रोपेगंडा इंजाब को पहुंचा, ड्रामा खत्म, अब रसीदें निकालें। कराची में 18 और 19 अक्टूबर के वाकया सिंध हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी। सईद गनी कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी में नासर शाह, सरदार अली, अवैस कादर और मुर्तजा वहाब शामिल। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस का मामला चैलेंज है, मामला इंतहा पर जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान ने IG के वाकया पर शदीद रद्द अमल दिया। मरियम नवाज के कमरे पर दावा और IG के वाके मामलात। सेनेट का फौरी ज्वाइंट कोर्ट इंक्वायरी तश्कील देने का मुतालबा। ईवान में मंजूर करार दे दिया। ईवान में मंजूर करारदाद में कहा गया मरियम नवाज की प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी और IG का अगवा गैर मामूली वाकयात हैं, जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। चेयरमैन सेनेट ने करारदाद मजीद कार्रवाई के लिए कायमा कमेटी को भिजवा दी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लक लंदन से मुस्बत इशारे मिले। वफाकी वजीर फैसल वावडा की BBC से गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता रोज कहा सजा याफ्ता और कई मुकदमात में मतलूब नवाज शरीफ की तहवील के लिए वज़रा का वफद भी जल्द लंदन जा सकता है। इस मामले पर बरतानवी हुकाम का रद्द अमल काफी हौसला अफजा है। बरतानवी हुकूमत के सामने नवाज शरीफ की तकरीर का मतन भी रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाबात, सियासी पार्टियों ने सरगर्मियां तेज कर दी। बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। बिलावल के तवील दौरे के बाद PTI का भी अपनी रहनुमाओं को इंतहाबी मुहिम में उतारने का ऐलान। मरियम नवाज आइंदा हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन में नजर आएंगे। पोलिंग 15 नवम्बर को होगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 11 रेफरेंसेस की मंजूरी। नवाज शरीफ के खिलाफ नया करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया गया। नवाज शरीफ, फवाद हसन, अफताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का रेफरेंस दायर होगा। हसन इकबाल के खिलाफ नारवा स्पोर्ट सिटी करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। राणा सनाउल्ला और अलीम हां के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद। जश्न विलादत शान शायान अंदाज से मनाने के लिए जोश और जज्बा बढ़ने लगा। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दुरूद सलाम की महाफिल, घर गलियां बाजार सजने के लिए जनियों, लाइट्स और दीगर अशिया की मांग में इजाफा। साद हरीरी एक मरतबा फिर लबनान के वजीर आजम बन गए। सदर ने पार्लिमानी दौरों से मुशावरत के बाद हरीरी को वजारत उज़्मा का मनसब सौंपा। साद हरीरी को पार्लिमान के 44 मेंबरों की हमायत हासिल हुई। और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े फवारे Palm 14 का इफ्तिताह कर दिया गया। रंग बिरंगी लाइट से मजीन फवारा मुनफरिद हैसियत के बायस जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज डांसिंग फवारा 14,000 मुरबा फुट पर फैला हुआ है।